जायसवाल 80 के आसपास पहुंचा, राहुल द्रविड़ एक मैसेज भिजवाते मिडिल में। राहुल द्रविड़ आपको पता है टेक्निकल, ये वॉल दीवार, दीवार अमिताभ बच्चन की राइट बीच में आ गया, तो वही पूछा कि क्या है तुम्हारे पास, अभी तक तो सेंचुरी है नहीं। तो जायसवाल जैसे ही फिर मैसेज गया वापस राइट कि भाई आराम से खेलो, राहुल द्रविड़ ने जायसवाल को मैसेज भिजवाया कि आराम से खेलो, 100 होने वाला है, बहुत उल्टे सीधे लप्पे घुमा रहे हो, छक्के मार रहे हो, थोड़ा सा संभल के खेल लो। जैसे ही मैसेज वापस लेके गया बंदा, जायसवाल ने उसको बोला ठीक है जा, मिडिल में मैसेज लेके आया था, लगातार दो रिवर्स स्वीप, लगातार दो रिवर्स स्वीप, एक ही ओवर में दो चौके। विक्रम राठौड़ जो हंसा है राहुल द्रविड़ के ऊपर, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, विक्रम राठौड़ की हंसी कंट्रोल ही नहीं, और राहुल द्रविड़ नीचे देख रहा है जैसे कि पता नहीं भाई मैं क्या करूं कि धरती फटे और मैं समा जाऊं। राहुल द्रविड़ भी हंस रहा है कि यार आजकल के बच्चे जो हैं, और विक्रम राठौड़ की सच्ची बता रहा हूं हंसी रुकी नहीं रही। और जायसवाल उस टाइम पर, मतलब जायसवाल को आपने देखा कि मारे जा रहा है, मारे जा रहे, वही वाली फोटो दिखा दो ना बेटा एक, उसी पर हो। तो जायसवाल ने जैसे ही वो दो रिवर्स स्वीप मारे तो राहुल द्रविड़ ऐसे पेन लेके यूं यूं करने लग गए कि यार मैंने इसको मैसेज भिजवाया कि भाई तू आराम से खेल ले, ये और निकल निकल के और रिस्की शॉट मारने लग गया। पहले तो निकल के छक्का मार रहा था, अब तो रिवर्स स्वीप और सबसे ज्यादा डेंजरस शॉट इन द बुक। और अपने विक्रम राठौड़ जी भी राहुल द्रविड़ को बोल रहे थे और भिजवा लो मैसेज, मैसेज भिजवा लो। तो इनके मैसेज की धजियां उड़ा के रख दी। यशस्वी जायसवाल ने इनको जवाब दिया कि भाई आपका जमाना था, आज हमारा जमाना है, तो हम अपनी तरफ से खेलेंगे। फ्रैंकली राहुल द्रविड़ मतलब आंख चुरा रहे थे, वो तो कैमरा में कैप्चर हो गए क्योंकि उन्होंने स्पेशली मैसेज भेजा था, वरना राहुल द्रविड़ को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या है, मैंने इसको अभी बोला है कि भाई तू मत तेज खेल, ये और ज्यादा रिस्की शॉट मार के चौके। खैर एनीवे 104 नॉट आउट खेल रहा है और अभी वापस गया, बिकॉज सेलिब्रेशन जब कर रहा था ना तब उसकी बैक में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो कप्तान ने बोला कि भाई तू वापस आ जा, ज्यादा पंगे ना ले। हालांकि मार ही जा रहा था फिर भी रुक नहीं रहा था, बड़ा बुरा मारा है, मार्क वुड को मारा, जेम्स एंडरसन को जिसने उसको इतना प्रॉब्लम दी थी, उसको एक ही ओवर में एक छक्का दो चौके मार दिए, स्पिनर आ रहा उसको निकल निकल के छक्के मार रहा है, चौके मार रहा, मतलब उसने मजाक बना के रख दिया था। एक टाइम पे मुझे याद है 30 बॉलों में 53 रन पे था वो, मतलब शुरू में नहीं, बाद की जो उसने 30 बॉलें खेली थी उसमें ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से भाई साहब टेस्ट मैच खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल। इससे पता क्या बदल जाता है कि 104 नॉट आउट है, ये जो 133 दिख रहा ना ये तो क्योंकि शुरू में बहुत बॉल ली थी उसने, बाद में 9 चौके छोड़ दो 5 छक्के मार दिए भाई इस आदमी ने। एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसके साथ डटा रहा, खड़ा रहा क्योंकि कप्तान जल्दी आउट हो गए थे, तो 6 चौके 2 छक्के शुभमन गिल के भी, हालांकि उसकी स्ट्राइक रेट 54 ही है। ये आपको स्ट्राइक रेट यशस्वी जायसवाल की 78.2 दिख रही होगी, लेकिन जो ये बाद में खेला है ना, इसकी पहले की 60-70 बॉलें हटा दो और बाद की जो 60-70 बॉलें लोग वगैरह, भाई उसमें इसने इतनी तुड़ाई करी है, ये ऑलमोस्ट 150-160 की स्ट्राइक रेट से खेला है, सारे छक्के चौके किसी भी बॉलर को छोड़ा ही नहीं। आज जो हम सोच रहे थे कि भाई हम 350-400 तक पहुंच जाए, तो 300 प्लस लीड तो आज ही हो गई आपकी, कल आप 400 प्लस जा रहे हो आराम से रीड। तो मैं अगेन वही बोल रहा हूं कि बैस बॉल का हुआ बना के इंग्लैंड आई थी इंडिया में राइट, यशस्वी जायसवाल ने दिखाया भाई इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। और बेन स्टोक्स और बाकी सारे प्लेयर्स, भाई मान लिया आप बहुत अच्छे होंगे स्किल वाइज भी, आप बैस बॉल भी खेलते हैं, लेकिन जायसवाल की स्टोरी आपको पता है, हमारे प्लेयर्स की स्टोरीज आपको पता है, ये लोगों के पास ना ऑप्शन नहीं है फेल होने का लाइफ में। जायसवाल वो लड़का जो अपना घर गांव से छोड़ के आ गया था मुंबई 12 साल की उम्र में, वो वहां पर एक पड़ोसी के साथ रहा, उसने पड़ोसी मतलब एक रिश्तेदार के घर में रहा, वहां पे उसने थोड़े दिन के बाद रिश्तेदार ने भी बोला कि चलिए भाई अपना इंतजाम करिए, मैदान में वो सोया है लड़का 2 साल भाई, मैदान में कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो कोचिंग कराते थे उनके, वहां पर इसने नौकरी भी करी छोटी मोटी नौकरी भी करी कि पैसा कहां से आएगा, वहीं पे टेंट में सोया है मैदान में 2 साल। और फिर उन्होंने अंडर द विंग लिया और एक कोच मिले जिन्होंने बोला कि चलो भाई मैं इस टैलेंट को ग्रूम करता हूं, वहां से गया ये खेला अंडर 19 से आईपीएल में पहला सीजन फीका, दूसरा सीजन फीका, फिर इसने जॉस बटलर को भी फेल कर दिया भाई राजस्थान रॉयल्स में, इतना मारा जॉस बटलर की भी, बटलर भी इसको नॉन स्ट्राइकर एंड से देखता है। और अभी इसकी उम्र कितनी है भाई, 23, कुछ भी उम्र नहीं है लड़के की। और आप ये देखो कि इस पूरी सीरीज में, इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज में डिफरेंस ही मेन यशस्वी जायसवाल है, क्यों, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल खत्म ही करके रख देता है, इतना मारता है पिछले मैच का 200 देख लो, उससे पहले मैच का 80 देख लो,
आज के मैच का 100 नॉट आउट चल रहा है बाय द वे, कोई बड़ी बात नहीं, आज भी 104 मार दे। यशस्वी जायसवाल पहली 73 बॉल्स में 35 रन था, पहली 73 बॉल्स में 35 रन था, उसकी नेक्स्ट 49 बॉल्स में 75 रन है। 49 बॉल्स में 75 रन अगर कोई T20 में मार दे ना, हम बोलते हैं बड़ी अच्छी नॉक। ये टेस्ट मैच में मार रहा है भाई, टेस्ट मैच में मार रहा है डे 3 की विकेट पे, जिसपे आज इंग्लैंड 112 पे 8 होके खत्म हो गई। इतना बुरी तरह मारा है जायसवाल ने, इतना बुरी तरह मारा है, और एक बार नहीं, पहले मैच में 80, दूसरे मैच में 200, तीसरे मैच में 100, जब जब इंडिया को जरूरत पड़ रही है तब तब ये लड़का स्टेप अप हो रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मैं बता रहा हूं ना, कि ये इतनी तेज खेलता है, इतनी तेज खेलता है, प्रेशर बिल्कुल रिलीज करता है यार। 49 बॉल्स में 75 रन, 5 छक्के और 9 चौके, 104 नॉट आउट। और फिर से दिखाऊंगा आपको राहुल द्रविड़ की शक्ल, राहुल द्रविड़ की शक्ल देखने वाली थी। राहुल द्रविड़ ने मैसेज भिजवाया कि भाई आराम से खेलो, हे जायसवाल बड़ी उल्टी सीधी शॉट्स खेल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, 100 पास आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकली खेलें आप, रुक के खेलें। जायसवाल ने बोला अच्छा जी, आप मैसेज लेके वापस जाएं, दे रिवर्स स्वीप चौका, दे रिवर्स स्वीप चौका। राठौड़ हंसने लग गया कि भाई द्रविड़ आप क्या मैसेज भिजवा रहे हो, किसको मैसेज भिजवा रहे हो आप? वो बेन स्टोक्स को बोल रहा है वो बच्चा कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो फोड़ फाड़ के अलग कर दिया, 322 रन की लीड है। गुफ्तगू का आगाज इसी से करेंगे कि कुछ शख्स थे जो कह रहे थे कि जी यहां पर इंग्लैंड, अच्छा इस टेस्ट मैच से पहले जो बोल रहे थे कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है ना, और बोल रहे थे कि आज इंडिया 350 वगैरह के आसपास, मैक्सिमम 300-350 में निपट जाना चाहिए, और इंग्लैंड जो है वो आज जब आएगा तो 550-600 रन उनके होंगे, और बड़े बुरी तरह कत्लेआम करेगा इंग्लैंड, और हम जो हैं वो देखते रह जाएंगे। मगर गेम कुछ उल्टी पड़ गई, बिकॉज वो सोच रहे थे हम बेसबॉल दिखाएंगे। बाय द वे एक और मैं आपको बात बता दूं प्रियांशु पे जाने से पहले, क्योंकि मैं लक्षित को थ्रो करूंगा, प्रियांशु को नहीं, बिकॉज लक्षित चाहते थे बात करना प्रियांशु से, कि भाई जब आपकी बैटिंग आई है पहला बार रोहित शर्मा ने करा है, चाहे वो 19 रन पे आउट हो गए, लेकिन काउंटर अटैक, मतलब आपको ये दिखाया कप्तान ने कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे कि ये हम पे प्रेशर डालेंगे तेज खेल के, ये तो फ्लॉप हो गए, अब हम इनको दिखाएंगे बेटा कि टेक्निकली अच्छा खेल के तेज कैसा खेला जाता है। आपने देखा एंडरसन के ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके मारे, उसके बाद भी चौका मारा, ठीक है वो आउट हो गए, आउट कोई भी हो सकता, दिन नहीं था, मगर इंटेंट उन्होंने शुरू से क्लियर कर दी कि वी विल नॉट टेक अ बैकवर्ड स्टेप टू बेन स्टोक्स और इंग्लैंड, हम इंटेंट से खेलेंगे, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। राहुल द्रविड़ जो जायसवाल को भेज रहे थे कि भाई थोड़ा स्लो हो जा, लेकिन रोहित शर्मा ने तो शुरू से अपनी इंटेंट दिखा दी थी, और उसी कारण बाद में यशस्वी जायसवाल भी खुल के खेला है, एंड लेट मी टेल यू शुभमन गिल भी खुल के खेला है, फिर शुभमन गिल ने भी छक्के मारे और सबको तोड़ फोड़ के रख दिया। बाय द वे जेम्स एंडरसन की रन रेट देख लीजिए, इसको तो तबाह करके रख दिया आज यशस्वी जायसवाल ने, 5.3 की उसकी इकोनॉमी रेट है, 3.4 जो रूट है, हार्टली की ठीक है 2.8, मार्क वुड को बड़ा मारा है 4.8 की इकोनॉमी रेट, रेहान अहमद को तो हमेशा ही मार पड़ती है ऑलमोस्ट 4 की इकोनॉमी रेट। तो लक्षित पे मैं जाऊंगा, बिकॉज लक्षित कल आपकी बड़ी बहस हो रही थी, और कल जो लोग बोल रहे थे प्रियांशु की सैलरी डबल कर दो ट्रिपल कर दो, आज वही बोल रहे हैं कि प्रियांशु की सैलरी होल्ड कर दो, प्रियांशु की सैलरी हाफ कर दो। बनता ये कहना बट कल एक इंसान जब हमने कल डाटा साइंस किया है पोस्ट मैच कर रहे थे तो बहुत धड़ल्ले से मेरे ऊपर काउंटर कर रहे थे कि यार जो है बेसबॉल अभी तक फेल नहीं हुआ, ये कुछ बातें चल रही थी, ये बातें चल रही थी कि अगर हमारे जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे वो प्लेयर्स अगर इस पिच पर ऐसा कर गए तो उधर वाले भी कुछ ना कुछ कर देंगे। उधर वालों में प्रियांशु जी अगर आज आपने मैच देखा हो जो रूट पूरा जॉनी बेस्ट्रो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, एक भी नाम ऊपर से ओवर द टॉप, फिर ये भी कहा जा रहा था कि 4 बोनस के साथ हम अधूरे रहेंगे, वो भी चलो हमारे बोनस ने बहुत अच्छा, वो हमारे बोनस ने बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद आगे आते हुए आज आपकी एक और प्रेडिक्शन गलत हुई, आपने कहा था रोहित शर्मा 50-60 बनाएंगे, लेकिन आपकी बोला था मैंने कहा इन्होंने मेरे से पूछा था कि रोहित को छोड़िए ना आप यार, इन्होंने बोला था इंग्लैंड 550 बनाएगी, इंग्लैंड 550 बनाएगी, इंडिया धाराशाही हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात मैच शुरू होने से पहले कि इंग्लैंड ये मैच जीत रही है, और कल या तो ये मैच ड्रॉ होगा या फिर ये मैच इंग्लैंड जीतेगी।
पूरी तरह से बट इसके साथ इसके साथ साथ मैंने कुछ और चीजें भी बोली थी। पहली चीज मैंने कहा था कि आप जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आएगी आज तो पहले सेशन के अंदर अगर ऊपर से जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकाल दी तो फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स हावी हो सकते हैं, पॉइंट नंबर वन, जो कि हुआ भी आज। फिर मैंने बोला था, फिर आपने बोला था, सबने कही थी, आपने बोला था कि ऊपर से रोहित शर्मा की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैंने कहा था नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी यशस्वी जायसवाल की विकेट, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल ये सब बातें तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री थी। इंग्लैंड मैच जीत रही, आप अभी बोल रहे इंग्लैंड जीत रही कंडीशन में, अभी इंग्लैंड की लीड 322 है, 322 की लीड है, ठीक है, 400 या 400 के नीचे तक। देखो क्या होता है ना कि पहले सेशन में हमेशा बैटिंग करना मुश्किल होता है, आज इंग्लैंड के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ, हालांकि बहुत खराब शॉट भी थे, उसकी भी क्रिटिसिज्म करूंगा मैं, लेकिन अगर यहाँ पे इंग्लैंड सक्सेसफुल होता है इंडिया को 400 या 400 से नीचे निपटाने में, तो भाई मतलब हम सिर्फ और अब 78 रन बनाएंगे। इंग्लैंड का भी कोलैप्स हुआ है, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड का कोलैप्स नहीं हुआ आज, तो वैसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी लेके चले कि अगर ये इंडिया के साथ हो जाए, है ना, अगर ये पॉसिबल होता है 400 से नीचे का अगर की पॉसिबिलिटी होगी, तो अगर मगर की हो रही ना, कल तक अगर मगर की बात हो, 78 रनों के हर 8 विकेटें, आपका इंग्लैंड का कोलैप्स पता आपको, 200 तुमने बोला 400 बात पता क्या है, यहाँ पे साफ साफ ये है रस्सी जल गई लेकिन मन ली गया। अगर आप अभी कह रहे हो कि इंग्लैंड की बैटिंग का ये हुआ, तो भाई इंग्लैंड का तो मिडिल ऑर्डर पूरी टेस्ट सीरीज में दराशारी हुआ है, इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर कभी भी नहीं चला, कभी स्टोक्स नहीं चला, कभी बेयरस्टो नहीं चला, कभी फोक्स नहीं चला, कभी रूट नहीं चला, तो हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में अभी जाडेजा ने आना है, जिसने दो इनिंग, जिसने अभी तक टोटल 4 इनिंग खेली है, 4 में से 2 बार चला, मुझे भाई इसके बाद यार सरफराज चला, ध्रुव जुरेल ने आना है, छोड़ दो, चलो हमारे तो खड़ा है, जयसवाल खड़ा है, मुझे ये समझ में आ रही है, अगर इंडिया 400 से मतलब है, आप जब इतने धड़ल्ले से पहले बोल रहे थे या तो इंग्लैंड जीतेगा या ड्रॉ होगा, अब तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इंडिया ही जीत रहा है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि इंग्लैंड यहाँ पे क्या वाकई में ये चमत्कार कर सकता है कि अगर हम 450 बनाए तो वो चेज कर जाएंगे? देखो 550 क्योंकि कमेंट्री में ये लोग बोल रहे थे कि 450 इंग्लैंड के जो थे हमारे, मेरे ख्याल से जो भी कमेंटेटर थे वो बोल रहे थे 450 तक तो हम चेज करने की हिम्मत रखते हैं, अभी भी पिच इतनी खराब नहीं हुई। मैं तो मेरा पॉइंट यही है कि आपका जैसी 400 प्लस गया ना स्कोर, अगर सपोज करो 450 ही पहुंच गया, 450 से ऊपर जितना चला गया ना, 450 से ऊपर इंग्लैंड ये मैच हार रहा है, 450 से जहां ऊपर गए इंग्लैंड ने मैच हार जाएगा। और इंग्लैंड को मैं इसलिए भी यहां पे बोल रहा हूं कि अगर आपकी 450 तक एडवांटेज है, रीजन इसका ये है कि हम बार बार लगातार बात करते हैं कि जब इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी होती है पहली इनिंग में जो होती है उससे कहीं ज्यादा बेहतर दूसरी इनिंग में होती है। आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच जहां पे ओली पोप की उस इनिंग्स की वजह से आप बता दीजिए, मैंने इंग्लैंड की जितनी अगर 450 से नीचे रहा तो भाई इंग्लैंड इज साहिल गौतम बोल रहे हैं, पीछे जाइएगा, साहिल गौतम बोल रहे हैं जहन्नुम की लानत प्रियांशु के मुंह पर, एंड कहां है इंग्लैंड के 550-600 रन कहां है भाई? भाई पता एक बात बताओ, क्रिटिसिज्म तो उनकी बनती है भाई, जो रूट ने वाहियात खराब डिंगाना शॉट खेला ना, वो पता नहीं क्या ही शॉट था भाई, आप अपनी टीम को मजदार में छोड़ के चले गए। और उसके बाद इवन डकेट की मैं बात करूंगा, छोटी गेंद गिरी थी, ऐसा लग रहा था डकेट के बैटिंग करने का मन था या नहीं था, वो सीधा वो दूर की बॉल ऐसे हाथ में दे दी, तो आपको तो इतना भरोसा था बॉलिंग, बॉलिंग की भी तो तारीफ नहीं कर रहे, बॉलिंग बहुत अच्छी भाई, जिस हिसाब से सिराज ने बॉलिंग करी, जिस हिसाब से बुमराह ने करी, कुलदीप ने स्टेप अप करा क्योंकि अश्विन नहीं थे, बॉलिंग आपकी बहुत बढ़िया हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है, लेकिन उतनी खराब बैटिंग हुई है, देखो उतनी खराब बैटिंग हुई क्योंकि जो रूट से हमारी अच्छी बॉलिंग, आप जो रूट से ऐसा भैया शॉट देखते हो क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा जो रूट से ऐसा शॉट, हमने पिछले देखिए बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये जो भी है बंदे, मुझे नहीं पता इनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये बड़े बड़े प्लेयर जो हो गए जो रूट वगैरह, इनको लग रहा है वॉक इन द पार्क, हम कोई भी उल्टी सीधी शॉट मारेंगे भैया हम वहां पे जीत जाएंगे, 200 रन की तो हमारी पहली लीड काट दी हमने, एक सेशन में 200 मार दिए, इस सेशन में फिर से 200 मारेंगे, फिर 200 मारेंगे, 100 रन की लीड ले लेंगे, हरा देंगे इंडिया को। लेकिन आपको वहां से पता चलता है कि कितना बड़ा मोमेंट होता है ये खेलने का, कि आप इंडिया के अंदर खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, तो लड़के जो जीतेगा वही जीतेगा, इजी किसी को नहीं मिलेगा। जायसवाल ने ये दिखाया कि उनकी हंगर जो है ना,
वो इंग्लिश बैटर से कहीं ज्यादा है। क्या आप में सही में वो भूख है जीतने की जो जायसवाल में? जायसवाल देखो पूरी सीरीज में इसको अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि आज पीटरसन ने ये मैसेज करा है, ये ट्वीट डाला है कि जायसवाल के असली टेस्ट होगा अवे टेस्ट में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इनका बल्ला नहीं चढ़ रहा था, यहां तो ये तोड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि भाई इस सीरीज के अंदर इन्होंने 200 मार दिया, इन्होंने 80 मारा है, आज इन्होंने 100 मारा है। हर टेस्ट मैच में जो भूख है ना इनकी, हर टेस्ट मैच में जो भूख है इनकी, वो इंग्लैंड बैटर से ज्यादा दिख रही है। जो रूट में क्या भूख दिखी है आपको यार? जो रूट आता है तमाशे करके चले जाता है, तो जूरूट से उम्मीद क्या लोगों? जॉनी बेस्ट है, उसकी तो वैसी बस की नहीं है। बेन स्टोक्स आता है, थोड़ा बहुत टाइम पास करता है, वो भी चला जाता है। कोई लंबी पारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बंदा है ओली पोप, उसके अलावा किसी ने यहाँ पर आज ये बेन डकेट ने 100 मारा है बस। आपके यहाँ से जायसवाल मार चुका है, शुभमन गिल अभी खेल रहा है, जायसवाल लगातार मार रहा है, रोहित शर्मा मार चुका है, तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इंग्लैंड वाले यहाँ पे तमाशा ज्यादा कर रहे हैं, हवा ज्यादा बना हुआ है, कॉम्पिटिशन कम है। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये हुआ था तो जायसवाल को यहाँ पे मैसेज भिजवा रहा है भैया राहुल द्रविड़ कि बेटा आराम से खेल लो, 100 के पास पहुंचे। उसने दो लगातार रिवर्स स्वीप मार दिए, राहुल द्रविड़ की शक्ल देखने वाली थी। राहुल द्रविड़ हंस रहा है कि यार मतलब मेरी इतनी बेइज्जती, फुल ऑन बेइज्जती, घंघोर बेइज्जती, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज हिटिंग रिवर्स स्वीप व्हेन आई एम टेलिंग हिम टू प्ले डिफेंस। बताओ यार, तो जायसवाल तो अलग लेवल पे ही खेला, और इससे पता चलता है भाई के इसने ना अपनी ईगो पे भी ली बीच में। इसने बाद में क्या किया, मार्कवुड को बिला रहे थे, मार्कवुड को हट हट के खेल रहा है, एंडरसन को तो तोड़ के रख दिया। तो ये ही वॉज नॉट टेकिंग अ बैकवर्ड स्टेप। इवन आपने 100 के पास पहुंचे, आपने इस बार दो देखे, देखे 100 इस इनिंग में, 200 देखे आपने इस मैच में, 3 देखे वैसे तो अभी तक, आपने 4 हो गए अब, पहले के इससे पहले के 3। तो आप देखो रोहित शर्मा उसको छोड़ दो, रविंदर जडेजा और बेन डकेट दोनों जब 100 के पास पहुंचे तो स्लो हो गए। ये बंदा और तेज हो गया भाई, ये 100 के पास पहुंचा, ये और रिस्क ले रहा है, और मार रहा है, और रिवर्स स्वीप दे रहा है, छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है। मतलब इसको ये था कि मैं डोमिनेट करूंगा ही करूंगा, मैं बॉलर को सेटल ही नहीं होने दूंगा। और वहीं पर इंग्लैंड की हिम्मत टूट गई एक तरीके से। ये एंड में विकेट आई है, कोई पाटीदार को यार मैं हाथ जुड़वा लो भाई, पाटीदार नहीं खेलना भाई, तू बाहर चले जा, बहुत गंदा शॉट, तू इससे बहुत बेटर प्लेयर है, कर क्या रहा है यार। आधी पिच पे बॉल, बॉलर को भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे आउट हो गया, आउट होके आ गया। आई डोंट नो व्हाट द हेल पाटीदार इज डूइंग, अब तो छोड़ दो उसको। लेकिन भाई यशस्वी जायसवाल खोल के रख दिया, तोड़ के रख दिया। और लेकिन प्रियांशु आपको आज हिंदुस्तान की जनता से माफी तो मांगनी पड़ेगी, बिकॉज आपने हिंदुस्तान को अंडर एस्टिमेट करा, आपने हिंदुस्तान को बोला। कल रात को भी मैं यही बात कर रहा था कि हम बेन स्टोक्स को हीरो बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा को नीचा ना दिखाएं, जो कि आज देखिए आप बड़ा खुश हुए कि रोहित शर्मा के रन नहीं आए, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम कर गए ना बच्चे, नहीं काम कर गए, नो डाउट। मैं नहीं कह रहा कि आपने खराब परफॉर्मेंस, आपने कप्तानी भी अच्छी करी, रोहित शर्मा ने आज बहुत बड़ी कप्तानी करी, सुबह जिस हिसाब से आपने बोलिंग चेंजेस करे, अश्विन नहीं थे, इवन बोलिंग जिस हिसाब से हुई, बट लेकिन हाँ मेरा इस चीज को लेकर अभी भी अलग पर्सपेक्टिव है कि 450 तक इंग्लैंड में दमखम है ना, मेरा अलग पर्सपेक्टिव है। माफी माफी की बात, देखो यार वही वाली बात है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेके कि भाई अभी भी इंग्लैंड में वो दमखम है, लेकिन एक अभी बार जीत रही है, ना 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 450 के नीचे, 450 के नीचे फिर भी दमखम है। मेरा बस पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से इंग्लैंड ने बैटिंग करी, इवन बॉलिंग भी आप देखोगे ना, अगर आप रेहान अहमद को देख लो, अगर आप टॉम हार्टली को देख लो, टॉम हार्टली ने किया क्या है, सीधा यशस्वी जायसवाल के बल्ले पे बना के दे रहा था, या तो फुल टॉस मार रहा था कि ले भाई बर्थडे गिफ्ट मेरी बात को जबरदस्ती गलत बना इंग्लैंड के बॉलर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, आज ना आपको इंडिया के बैटर्स को अप्रिशिएट करना है, बिकॉज यशस्वी जायसवाल टॉम हार्टली वाटली को जो हो गया हो गया, अगर यशस्वी जायसवाल जेम्स एंडरसन का टाइम बुरा लगा रहा है ना, तो मतलब उस लड़के ने आज बैटिंग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स की है। और आप एक बात बताइए, आपसे पूरी दुनिया आज एक ही सवाल पूछ रही है कि प्रियांशु सूजी है? अरे यार देखिए ये सवाल का आपको जवाब दीजिए, इंडिया अच्छा खेलेगा सूजी है, मुझे इंडिया अच्छा खेलेगा मुझे खुशी क्यों नहीं होगी, चाहता हूं जीते। या देखो आपने इवन कल रात को भी मैंने कहा था, कल सीधी सीधी बात की थी, अगर आप यहाँ पे 4 बॉलर्स के साथ जीत जाओगे तो मेरे लिए ऐतिहासिक जीत होगी, और मेरे लिए अभी भी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि आप 4 बॉलर के साथ जीत रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कहीं बैटर्स की तारीफ,
देखो बैटर्स की तारीफ मैंने करी थी भाई, यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से खेला है, मतलब उसने बेन स्टोक्स के दिमाग से खेला। आप देखेंगे कि जब वो 94 रन पे था, बेन स्टोक्स ने डिफेंसिव फील्ड कर दी, उसने सारे पीछे कर दिए, उसने रन ही रोक दिए, उसने आगे रखे ही नहीं। तो मैंने बैटिंग की भी तारीफ करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड के बोलर्स को मैं अगर बुराई कर रहा हूँ कि भाई आपने फुल टॉसेस डाली, आपने शॉर्ट बॉल डाली, तो वो कोई गलत पॉइंट है, वो भी एक सही पॉइंट है। लेकिन वही वाली बात है कि आपको अगर मेरे को गलत प्रूव करना है कि भाई ये ना चौके छक्के मारे भाई, आप विक्टिम कार्ड खेले ना खेले, लेकिन एक बात बता दे, सूजी है देखिए पूरी दुनिया ही यार, लगातार सूजी है कि नहीं सूजी, आपने बार बार कल तक, देखिए कल तक सब बोल रहे थे सैलरी डबल कर दो, सैलरी ट्रिपल कर दो प्रियांशु, आज बोल रहे सैलरी होल्ड करो, आधी भी कर दो, दो ही मत और डंडे अलग मारो। आप देखिए, आपको कल एक सेशन में मान लिया, कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले थे, हमें भी सबको लग रहा था कि भाई इंग्लैंड बहुत तगड़े पोजीशन में है, इतना तो किसी ने नहीं सोचा था कि 112 पे 8 वो खत्म, ये सोच रहा था कि ट्रेल तो कम से कम काट लेंगे, या काट भी नहीं लेंगे तो 400 तक तो आ जाएंगे, 200 तो कल ही बन गए थे, 207 तो पूरे 8 विकेट पड़ी हुई थी, निकल ही गए पूरे। लेकिन खैर उसको छोड़ो, जिस तरीके से बैटिंग करी है यशस्वी जायसवाल ने भाई, देखो इंग्लैंड की बॉलिंग हमारी बॉलिंग के सामने कुछ नहीं है, ये तो हमें पता है। हाँ, हम बुरा खेलें, हम बुरी बैटिंग करें, हम अपनी बैटिंग के कैलिबर पे ना खेलें, वो अलग बात है। लेकिन जायसवाल ने, शुभमन गिल ने, इवन रोहित शर्मा ने, अभी रविंद्र जडेजा ने, इन सब ने दिखाया है आपको, केएल राहुल भी 80 मार गया था, इन्होंने दिखाया कि भाई ये बॉलिंग हमारे सामने नहीं टिकेगी, और यही हमारी बॉलिंग ने दिखाया कि इनके बैटर्स को हम टिकने नहीं देंगे। कल तक जो कुलदीप यादव मार खा रहे थे, आज आके आउट कर गए। सिराज जो पहले टेस्ट मैच में अच्छा नहीं किया था, दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, आज 4 विकेट ले गए सिराज। बुमराह से वो पंगे ले रहा, जो रूट वो खेलेगा रिवर्स स्वीप, बुमराह को खेल रहा है वो, बुमराह ने खा लिया उसको तो, और बुमराह ने उसको 13 बार आउट करा हुआ है, उससे ज्यादा सिर्फ पैट कमिंस ने 14 बार आउट करा, और कम इनिंग्स में, बाय द वे बहुत कम इनिंग्स में बुमराह ने आउट करा हुआ। सो आप इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये बात तो देखिए आपको, एक सेकंड मेरा सवाल पूछा दीजिए, पूरा होने दीजिए। आपने इंडिया को अंडर एस्टिमेट करा इंडिया में, आपने इंग्लैंड को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया कि जी ये तो बहुत बड़े खलीफा हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जबकि हम बोल रहे थे भाई कि इनके बॉलर जो हैं, और थर्ड भी ये पॉइंट है उस पर भी आऊंगा, इनके बॉलर इतने तगड़े नहीं है, हमारे बॉलर बहुत तगड़े हैं, और इनके बैटर का लक्षित ने बार बार बोला था, हालांकि मैं भी आपसे अग्री कर रहा था इस पिच पे इनके रन आने चाहिए थे, अगर अभी भी जो रूट के बेस्टों के रन नहीं आएंगे तो भाई वापस ही चले जाओ ना, तो नहीं आ सकता। जिस तरीके से जो रूट आउट हुआ है वो तो ड्रॉप होना बनता है उसका, खैर उसको भी छोड़ दो, लेकिन लक्षित ने बोला था भाई उनका मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, जो कभी भी नहीं चल रहा, वो दिख गया, हमारे बॉलर बेटर है भाई, हमारे बॉलर बेटर है। सबसे बड़ा पॉइंट जो आप बार बार नीचा दिखाते हैं रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा राइट नाउ हैज प्रूवन टू बी मच बेटर कैप्टन देन बेन स्टोक्स इन दिस सीरीज। आप देखो बेन स्टोक्स बातें बड़ी बड़ी हैं कि मैं इतने बॉलर लेके आया हूं, मैं जैक लीच का रिप्लेसमेंट नहीं लूंगा, देखिए जैक लीच हमने जो तय कर लिया, हम अगर इतने बॉलर लेके आए तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे, हम अपने निश्चय पे अडिग हैं, जो भी है उन्होंने सारी बातें करी। तो बेन स्टोक्स ने बातें बड़ी बड़ी करी कि मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, हम इसी से आएंगे, ऐसे ही खेलेंगे, इंडिया में जीतना एक टेस्ट मैच भी बड़ी बात है, 190 की लीड के बाद भी जीत गए इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद देखिए रोहित शर्मा 190 की लीड से मैच हारने के बावजूद हथियार नहीं डाले, उसके बाद वाले टेस्ट मैच में कमबैक किया, सारे के सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके स्ट्रिक्ट तरीके से, आपको याद होगा वो डायलॉग, गार्डन में कोई घूमेगा तो मम्मी डैडी कर दूंगा, मतलब फील्डिंग में, क्योंकि पहला मैच हम फील्डिंग से हारे, बाय द वे ओली पॉप की कैच छोड़ी अक्षर पटेल ने, तब हम हारे। तो रोहित शर्मा मेड श्योर कि मैं स्ट्रिक्ट रहूं, गार्डन में कोई नहीं घूमेगा, रोहित शर्मा मेड श्योर कि अगर जडेजा 2 लगातार नो बॉल करता है, जबकि आप मैच आपके हाथ में था, कल चलो कल तो 207 पड़ रहे ना, बट रोहित शर्मा ने बोला कि भाई तू T20 में IPL में तो नो बॉल करता नहीं, इसको T20 समझ के कर, नो बॉल नहीं करनी। उसके बाद रोहित शर्मा जब सरफराज खान अपना डेब्यू करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनके पापा को बोलता है कि डोंट वरी सर, आप टेंशन मत लो, वहां से प्रोत्साहन देता है, रोहित शर्मा खुद बैटिंग करने आता है, लड़ता है लड़ता है लड़ता है, 130 मारता है। रोहित शर्मा के पास ना विराट कोहली है, रोहित शर्मा के पास ना केएल राहुल है, रोहित शर्मा के पास इस टेस्ट मैच के अंदर अश्विन भी नहीं है, पूरी दुनिया क्रिटिसिज्म कर रही है भाई रोहित शर्मा के इससे पहले कि 4 इनिंग में नहीं, 8 इनिंग में रन नहीं आया, ना साउथ अफ्रीका में रन आए, ना इधर रन आए, और कप्तान बेन स्टोक्स को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई रिजल्ट्स मैटर। तो आप इंग्लैंड के नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि एक्साइटिंग तो भैया क्रिकेट दिखाते हैं, कि एक सेशन में हमने 200 रन मार दिए, उसके बाद क्या फुस,
आपको जेफरी बॉयकॉट ने भी पिछली बार बोला था कि बेन स्टोक्स को क्रिटिसाइज करा था, मैकलम को क्रिटिसाइज करा था कि भाई ये बैस बॉल का दिखावे के चक्कर में ना, शोशाबाजी के चक्कर में कि जी हम तो बड़ा निडर होके खेलते हैं, हम तो बड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उसके चक्कर में आपने मैच गवा दिया पिछले वाला। आज भी अगर आप देखो जो रूट अपनी तरह से खेलना, तू बनना चाह रहा है वीरेंद्र सहवाग, तू कहां से वीरेंद्र सहवाग बन जाएगा भाई, तू अपनी तरह जो रूट बन के खेलना तब तेरे रन आएंगे। तू उल्टा सीधा कन्नी कुन्नी मार रहा है, कभी रिवर्स स्वीप मार रहा है, पिछले मैच में निकल निकल के मारने की कोशिश कर रहा है, अपनी विकेट थ्रो कर रहा है। अगर टेक्निकली जो रूट खेलता, अगर इस पिच पे खड़ा रहता, 100% 100 मार देता। सबके रन आ रहे हैं भाई, जिस पिच पे सरफराज रन मार रहा है, ध्रुव जुरेल रन मार रहा है, बुमराह रन मार रहा है, उस पे जो रूट क्यों आउट हो रहा है? तो ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हम तो बड़े अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, हम तो बैस बॉल लेके आए हैं। इंडिया ने इनको इन्हीं के स्टाइल में पटक पटक के धो धो के दिया है। तो आपको ये तीन चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपने इंडिया को अंडर एस्टिमेट करा, आपने इंग्लैंड को ओवर एस्टिमेट करा, इंग्लैंड को आपने ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया, और तीसरा आपने रोहित शर्मा को बहुत डिसरिस्पेक्ट करा। आपने रोहित शर्मा को समझा कि भाई ये तो कोई कप्तान के लायक भी नहीं है, इनसे मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं, और रोहित शर्मा ने आपको गलत प्रूव करा।